ये भाई लीशा है हाँ मैं भी पामे यार आज आज सामने से अरे मार देन साले हजूरी को मानते हैं खुदा इनके जहनों में पा खुदा तूने इस बात का जमाना ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना जाग उठेगा जमाना भूले फटको Thank you.
आबादी के लिए भी इस लीडर को यहां पर भेज दिया। तो सबसे पहले तो हम अपने उस जिंदा खुदावन यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि सलाम में सलामती है। सलाम में क्या है? सलामती है। सलाम में सलामती है। क्या ही अच्छी बात है कि भाई बहन मिलकर बैठे। तो रात को भाइयों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, तो फिर खुदा के खादम को सूरमा को ये काल की गई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब आपकी आबादी के अंदर, पहले मैं बहुत दफा आ चुका हूं लेकिन अब मैं आपकी आबादी के अंदर नहीं आऊंगा। उनका जवाब ये नहीं था। 5 बजे का टाइम दिया गया था, तो 5 बजे पूरे यहां पर खुदा का सूरमा मौजूद था। 5 का मतलब 5 था। मैं जैसा वक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आएंगे। मेरी एक बात याद रखनी है, एक बात मेरी आपने याद रखनी है कि यहां पर कोई सियासत नहीं है, ठीक है, कोई बड़ापन नहीं है या कोई किसी के लिए नहीं, ये नहीं है कि जी उसको कह दिया मुझे नहीं कहा गया, ठीक है। हम सब क्या है जी? बोले सब, हम सब क्या है? हम सब क्या है? एक है ना। तो गुजारिश करूंगा मैं, हमारे दरमियान भाई यहूब हैं कि वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद और इसके बाद और भी हमारे भाई हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए कि ये भी बात करें कलाम में से, आप इस बात को बड़े गौरव मौज के साथ सुनना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। हम खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं। मेरी एक गुजारिश है कि जो बाहर, क्योंकि आपने स्पीकर रखा हुआ है तो लाजमी बात है कि लोग बाहर खड़े हैं तो सुनेंगे, क्योंकि अंदर आने की अब गुंजाइश कोई नहीं रहेगी, इसलिए वो लोग बाहर स्पीकर में सुनेंगे। तो इसलिए बाकी बहनें जो हैं वो अंदर आ जाएं, जो हमारे भाई बाहर खड़े हैं, क्योंकि ये आवाज़ जा रही होगी, मैं हर 3-4 गलियों में जा रही होगी, तो जा रही है। इसलिए ये चौधरी साहब ने कहा, तो मैंने कहा कि आप चर्च में करेंगे शुक्रगुजारी, क्या करेंगे? अगर शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर मैं आऊंगा, क्योंकि पहले तो आपने जो खुदा ने आपको जो बरकत दी है उसका तो शुक्र करें। तो पहले काम ही बरकत आपको दी है, बहुत बरकत है। आपको कितनी बरकत दी है, आप वही हैं। मैंने कहा था
कि तुम्हें किसी ने कुछ नहीं देना, तो देगा जब तक आप खुद लेने के काबिल नहीं होंगे। अगर इन्होंने कुछ देना तो पाकिस्तान को दे जाते। ये जो भी लेना है आपने खुद लेना बैठे थे फिर रखे। हालेलुया। अगर इतने चौके होंगे इन्हें चौके होंगे तो मैं तो अमेरिका को आना पड़ा सी। ये कलाम हो रहा है, क्या हो रहा है? कलाम हो रहा है आज, प्योर कलाम है आज। आज खालिक का कलाम होगा। आप कहते हैं कि नहीं हम सियासत नहीं कर रहे। बाइबल में सियासत का लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है बताएं। पूरे चर्च में बैठे हो बैठे सियासत का लफ्ज बाइबल में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? बहुत दफा है बताएं। सियासत का लफ्ज ये बाइबल जो है ये उर्दू जुबान है। क्या जुबान है? और ये उर्दू जुबान कोई जुबान नहीं है। आपको पता है ये खुशी साहब ने मेरा ख्याल ये है चूचों का मरपा। ये इसको कहते हैं लश्कर जुबान। बहुत सारी जुबानों का मजमुआ है। अभी जो जगह है इसमें बिठा दे, बाकी बाहर सुने कोई बात नहीं, बाहर रहे हवा में। लेकिन ये जो बच्चे बाहर खड़े हैं यहाँ अंदर आ जाए तो क्योंकि मैं बच्चों को देख देख के फिर मेरा माइंड जो दूसरी तरफ जाता है कि बैठते नहीं है ये। अच्छा, उर्दू जुबान में ये जुबान जो है ना उर्दू, ये लश्कर जुबान है। सियासत तीन दफा इस्तेमाल हुआ है। कितनी दफा? बाइबल का में तीन दफा का लफ्ज है मैं तुम और उस पर सियासत की गई। मैं तुम्हें सियासत का खाना खिलाऊंगा तीन दफा। आप तुम्हें किस लकड़ी है ना कि कैसे कैसे ढूंढेंगे कि बाइबल में कोई लफ्ज ढूंढना हो? कोई बताएगा बच्चा, कोई बच्ची बाइबल स्टडी की है कोई? अगर ढूंढना है तो उर्दू लुगत में जाएंगे। कहां जाएंगे? लुगत में जाएंगे। आप लुगत में जाएंगे तो तीन दफा इस्तेमाल हुआ है। और अब इसका तर्जमा कैसे करेंगे कि सियासत क्या चीज है? आपको लातीनी नहीं आती, आपको अबरानी नहीं आती। यीशु की कौन सी जुबान थी? ये मैं 26 को वो जुबान यीशु की सुनाऊंगा जो यीशु की जुबान एक गांव में बोली जाती है। दुनिया में इस वक्त दुनिया में यीशु की जुबान एक गांव में बोली जाती है। और वो कौन सा गांव है? शाम। कौन सा कौन? और शाम में किस गांव में बोली जाती है? वो है मालूला। शाम के गांव में मालूला है। क्या है उसमें? खुदावंद यीशु की जुबान जो बोलते थे वो है। और यीशु की जुबान आर्मेनिया है। क्या है? आर्मेनिया। और वो जुबान में जब 26 को आएंगे आप तो वहां पर जुबान सुनाई जाएगी अपना उस वहां पर कैसे। तो ये जो ये सियासत का लफ्ज है अगर अबरानी में तो हमें आती नहीं, लातीनी आती नहीं, आर्मेनी आती नहीं है, यूनानी आती नहीं है। ये उर्दू को आपने जाना है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, उर्दू को आप जाएं। सियासत का लफ्ज उस पर सियासत हुई। मैं तुम्हें सियासत का खाना खिलाऊंगा। और एक और है वो मैं जेन से निकल गया। तो आप जहां पर जाके इंग्लिश देखें, जहां पर ये आयत है वहां पर आयत देखें, तो तीनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है। सियासत का जो वहां मुझे जो पसंद आई है ये बड़ी चर्च करते यार कक्ष बड़े अग लाती कक्ष गए ने सुलह करा दी थी। इन कहते ने कि ऐसी हिकमत अमली सियासत ने क्या हिकमत अमली जजमेंट जज गलत हो सकता है। जज गलत हो सकता है लेकिन जी लिखी हुई जजमेंट है वो बोलते तो नहीं ना, जज बोलता है। ज्यादा सियासत जी है आ कोई बुरी चीज नहीं है। मूसा नबी ने सियासत नहीं की थी, अपनी कौम को बाहर नहीं कढ़िया। हालांकि मूसा जरा सी उन्हें की क्या मैं कह रहे हरून रजिए
अगर तुम अगे आ जाओ ना अगर जो भी कर रहे जगह है पिछले बंद जो आ सकते हैं आ जाओ प्लीज ताकि कोई याद ना कहे कि हाल खाली सी अगे आ जाओ क्योंकि बाहर का भक्ति लग रही है अब तुम भक्ति लग रही है पता है साढ़े चार घंटे
मेरे बुए के बाहर खड़ा रहा मधु कह असी सेरा पुष्ट नहीं है लेकिन कदो ये तेरी औलाद दस्तर खान पर जैतून के पौधों की मांदगी जिन्हें जाना होने निकल जाओ जिन्हें नाल नहीं जाना निकल जाओ जिन्हें ईमान कमजोर है निकल जाओ बाकी जिन्हें जाके जुतियां लपड़ी जुतियां लप के खड़े हो चलो और जो अपना मूसा नबी सर ना वो कभी जाते थे तो खुदा फरौन का दिल सख्त करता सी कभी कभी नरम करता सी हुण खुदा ने सानू भी अजमाना है कभी नरम दिल करना मेरी जुती कानी है आमीन। हम इस ईमान पर इस यकीन पर कि खुदावंद हमारी क्या करेगा सुनेगा। यानी मेरे घर में तीन दफा दुआ हुआ करते थे सुबह शाम दोपहर। कौन बच्चे जो घर में शाम को दुआ करते माँ के साथ कौन को रात खड़ा करे देखे देखो कहीं नहीं करता तेरे राशन तेरा कहीं पैदा था यार तेरे बच्चे दुआ ही नहीं करते इन्हों की बेचारे बत्ती तक की मगर लाया है बच्चे मावा जड़िया ने अपने बच्चे दुआ कर अगर कुछ लेना जब उन्होंने पता क्यों बरकत मिली जे एनी लंबी मसीना कोई नहीं कार्ड करता लीडर एडा लीडर लंबा लीडर नहीं जे कोई जिन्हों लोग प्यार करते हो लेकिन एनी वजह की है कि मेरा दादा पादरी सी संतीश खुदादा घर बनाया और मेरा वालिद गॉर्डन कॉलेज एमएससी की थी सीटीआई 12 पत्थर से मैट्रिक जो साल पर अमानत साल और साढ़े का चित्ते नुबारी होती सी ज्यादा दुआवां दे सिर ते ही बचोगे की करोगे बचोगे ते ज्यादा बच्चे केड़ा खड़ा बच्चा जब अपनी मीन जाके के अम्मी दुआ कर केड़ा खड़ा कहेगा हाथ खड़े कर बहने कबोगे कबोगे हैं आ कहना नहीं नहीं Hallelujah!